नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपके यहां यानी इस अंग प्रतिल है तो आप दोस्तों बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहना और जान लेना कि आपके किस हिस्से पर तिल का होना अति शुभ माना जाता है। ये हिस्सा आपके जीवन को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर इस हिस्से पर तिल है तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। इसलिए आपको यह आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी किस्मत का आपको पता चल सके। दोस्तों, वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि आप ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद तिल का भी अलग अलग अर्थ होता है। मनुष्य के शरीर के अलग अलग तरह के निशान होते हैं। कुछ निशान जन्म से मौजूद रहते हैं तो कुछ निशान समय के साथ साथ उभर जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि इन सभी निशानों या चिन्हों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारे शरीर पर मौजूद तिल भी हमारे जीवन को लेकर कई बातें हमें बताते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक ये तिल मनुष्य का स्वभाव और उसका भविष्य तक बता देते हैं। वहीं इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद तिल भी अलग अलग अर्थ हमें बतला देता है। कोई तिल शुभ होता है तो कोई तिल अशुभ भी होता है, लेकिन इसका पता उसके स्थान से ही लगाया जा सकता है। चाणक्य जी सबसे पहले कहते हैं कि तर्जनी उंगली पर जिन लोगों के तिल होता है उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। तर्जनी उंगली पर तिल वाले लोग हमेशा अपना जीवन खुशहाल जीवन ही व्यतीत करते हैं। इनके पास बहुत सारा धन होता है, ये अपना जीवन ऐशो आराम में गुजार देते हैं। लेकिन दोस्तों, तर्जनी उंगली के लोगों को शत्रुओं से बहुत प्रॉब्लम होती है। तर्जनी उंगली के लोगों के शत्रु उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के शत्रु ज्यादा होते हैं। इसके बाद चाणक्य जी वास्तु शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जिन लोगों के गले पर तिल होता है, यदि किसी इंसान के गले पर तिल होता है तो आने वाले समय में उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। वो अपने आने वाले जीवन के लिए धन को इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, साथ ही ऐसे लोगों में दया और भक्ति का भाव भी काफी देखने को मिलता है। ये लोग दयालु, कृपालु और अच्छे स्वभाव के होते हैं। इसके बाद दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं कि जिन लोगों की बाजुओं पर तिल होता है उनके भी धनवान होने के संकेत होते हैं। बाजुओं पर तिल वाले लोग अमीर रहते हैं और ऐसे लोगों का जीवन भी खुशहाल होता है। दोस्तों, अगर आपकी बाजुओं पर भी तिल है तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। इसके बाद दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिन लोगों की हथेलियों में तिल होता है, दोस्तों ऐसे लोगों के पास धन कोष बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों के पास धन की हमेशा वृद्धि होती है। हथेली पर तिल होना शुभ संकेत है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि हथेली पर मौजूद तिल का मुट्ठी में बंद होना भी आवश्यक है। अगर तिल मुट्ठी से बाहर होता है तो ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा नहीं टिकता।
जिन लोगों की हथेली में तिल है और मुट्ठी बंद करते ही तिल मुट्ठी के अंदर आ जाता है, तो ऐसे लोगों के पास धन भी मुट्ठी में रहता है और ऐसे लोग करोड़पति और अमीर बनते हैं। दोस्तों, अगर आपकी हथेली में भी तिल है तो यकीनन आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपके पास भी कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार चाणक्य जी कहते हैं कि जिन लोगों की पैर के अंगूठे में तिल होता है, चाणक्य जी के अनुसार ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और अंगूठे पर तिल होना एक शुभ संकेत है और ऐसे लोगों के पास भी धन की बरसात होती है। अगर आपके भी पैर के अंगूठे के अंदर तिल है तो आपकी किस्मत चमकने वाली है और आपके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो रहा है और आप इस धन को अच्छे कामों में लगाइए ताकि आपके पास धनवान होने का जो आपको ईश्वर की तरफ से एक तोहफा मिला है, आप इस तोहफे को गवाइएगा नहीं। इसके बाद दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि जिन लोगों की मध्यमा उंगली पर तिल होता है, ऐसे लोगों का शांत स्वभाव होता है। वही अगर तिल अनामिका उंगली पर होता है तो उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, साथ ही उच्च विधा भी प्राप्त होती है। अनामिका उंगली पर तिल होना वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा शुभ संकेत है और आपका जीवन चमकने वाला है और आपके जीवन में कभी भी कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी और आप अपने जीवन को अच्छे से गुजारोगे ताकि आपके जीवन में जो पैसे की किल्लत है, पैसे की कमी है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो दोस्तों, यह तो था शरीर के वो अंग यानी कि शरीर के वो हिस्से जिन पर तिल का होना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आपके शरीर पर भी इन अंगों पर तिल है तो दोस्तों आप यकीनन लकी हैं और आपकी किस्मत भी चमकने वाली है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने को मिल सके और आप हमारी इन वीडियो को देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सके। दोस्तों, आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।